बाढ़ से बचाव के लिए तैयारियों की समीक्षा बैठक जिलाधिकारी विजय किरण आनंद की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि बाढ़ से बचाव हेतु पिछले अनुभवों को देखते हुए पूरी तैयारी सुनिश्चित की जाए तथा किसी प्रकार से कहीं कोई कमी न आने पाए। उन्होंने कहा कि बाढ़ प्रत्येक वर्ष एक नए रूप में आती है, इसलिए हमेशा गंभीरता के साथ पूरी तैयारियां रखी जाएं। डीएम ने कहा कि कंट्रोल रूम के नंबरों का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए तथा तहसील स्तर पर भी कंट्रोल रूम स्थापित करते हुए उनके नंबरों का भी प्रचार प्रसार किया जाए। जिलाधिकारी ने सभी एसडीएम को निर्देश दिए हैं कि एक बार पुनः बाढ़ चौकियों राहत शिविरों का सत्यापन कर ले और बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लोग किस राहत शिविर में जाएंगे यह भी अभी से चिन्हित कर लिया जाए। जिलाधिकारी ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी बंधों की गहनता से निरीक्षण करते रहें तथा बाढ़ से बचाव के लिए सुरक्षात्मक कार्रवाई की पूरी तैयारी रखें। जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिया है कि जल जनित बीमारियों से बचाव के लिए पर्याप्त दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करें और मेडिकल टीम का भी गठन करें। डीएम ने मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को पशुओं के चारे एवं जिला पूर्ति अधिकारी को खाद्यान्न एवं कीरोसिन आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर जिलाधिकारी विजय किरण आनंद, सीडीओ इंद्रजीत सिंह, एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह, एसडीएम सदर कुलदीप मीणा, सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव, एसडीएम सहजनवा सुरेश राय, एसडीएम खजनी पवन कुमार, जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी गौतम गुप्ता सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। सर घाघरा रिवर जो है सर हमारा सर दो तहसील को सर खजनी और इसके बाद जो सर एक ये ब्लू स्ट्रिप येलो स्ट्रिप जो आ रही है सर ये वाली ये सर रोहिन रिवर है। ये सर गोरखपुर में तकरीबन 30 किलोमीटर की ट्रैवल करती है लेकिन ये बड़ा ही करीब पहुंचता है जिसका बैक फ्लो होता है। इसमें चूंकि एम्बैंकमेंट नहीं है इसलिए इसका सर पानी बहुत स्प्रेड करता है और तकरीबन सर ये पूरा एरिया जो रहता है सर ये सबमर्ज होता है। और यहाँ पे सर ये छोटी सी रिवर है सर ये आकर के इसी घाघरा में ही मिल जाती है और ये बेसिकली सर केवल खजनी जो तहसील है सर ये हमारा सर इसको ये प्रभावित करती है सर। इसके अलावा सर इसे निकाल के राप्ती मिल जाती है लेकिन सर ये चौरी चौरा तहसील को और सदर तहसील को प्रभावित करती है। इसमें सर जो सबसे हजारा सिचुएशन ये रहता है सर कि अगर इसमें नहीं है सर तो इसलिए ये थोड़ा सा ये गुर्रा इसको प्रभावित करती है सर। ये सर एक मैप है सर ये सेंट्रल वाटर कमीशन के थ्रू से रिवर है सर ये राप्ती रिवर सर काकरदारी श्रावस्ती से भिंगा बलरामपुर कांसी रिगौली होते हुए सर ये हमारा गोरखपुर का एरिया है सर और इसमें सर ये एक